फ्रेंड्स, मैं सुषमा को हार्ट वेलकम टू माय चैनल नीटिंग लेसन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर पोंचू बनाकर लाई हूं। आज मैं आपको पोंचू बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही आसान है, इसे न्यू बिगनर भी आसानी से बना सकते हैं। ये देखिएगा फ्रेंड्स, इस पोंचू की यहाँ से स्टार्टिंग होती है और यहाँ पर इसका एंड होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनाया गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई वाली ऊन ली हुई है। ऊन आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकती हैं जो आपको पसंद हो। तो इस वाली ऊन से ये देखिएगा, ये मैंने एक पार्ट बना करके इतना तैयार किया हुआ है। यहाँ पर मैंने इसमें 113 फंदे लिए हुए हैं। अगर आप नॉर्मल ऊन से बनाना चाहती हैं तो आप 5 या 6 फंदे ज्यादा ले लीजिएगा, प्लाई वाली में 113 ही काफी है। ये जो साइज मैं बनाऊंगी ये 18 से 19 साल की लड़की का साइज बनेगा। फंदे इसके फ्रेंड्स हमें यहाँ पर सिंगल धागे से डालने होंगे। देखिएगा, इस तरह से आप अपनी जो ऊन है उसे सिंगल लीजिएगा और इस तरह से करके, ये देखिएगा, इस तरह से हमने ये सिंगल धागा रखना है और इससे हमने यहाँ पर फंदे बनाने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके जो फंदे हैं वो आपने इस तरह से बनाने हैं। एक तो हम इस धागे को फंदा डाल के ऐसे अपनी तरफ खींचते हैं, ये आपने नहीं खींचना है, इसे आगे की तरफ भी रखना है और ये इतना लूज रहना चाहिए। तो देखिए, ऐसे करके आप ऐसे बनाएंगे और ये जो धागा है इसे ऐसे आगे की तरफ खींच दीजिएगा और यहाँ से इसको टाइट मत होने दीजिएगा और ये ऐसे लूज लूज फंदे आपको जितने भी डालने हो आप अपने फंदे बना लीजिएगा। फंदे डालने के बाद फ्रेंड देखिए, हमने ये बॉर्डर पट्टी बनानी है जो सीधी साइड से भी उल्टी है और उल्टी साइड से भी उल्टी है। तो 12 सिलाइयों का ये बॉर्डर बना लीजिएगा। 12 सिलाइयों में ये 6 लाइनें आ जाएंगी। बॉर्डर बनाने के बाद ऊपर हमने इसमें डिजाइन एडजस्ट करना है और जितनी चौड़ी हमने ये बॉर्डर की पट्टी बनाई है उतनी ही देखिए इस साइड और इस साइड बनानी है। तो इस जो हमने 12 सिलाइयों की ये पट्टी तैयार की है उसके हिसाब से यहाँ हमने 9 फंदे रखे हैं और 9 फंदे यहाँ रखे हैं। तो बीच में फंदे बचेंगे उसमें हमने अपना डिजाइन बनाना है। ये जो डिजाइन मैंने इसमें बनाया हुआ है ये 19 के मल्टीपल से बनता है। अगर कार्डिगन में इस डिजाइन को बनाए तो 19 के मल्टीपल फंदे लेकर के 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं, लेकिन अगर पोंचू में बना रहे हैं तो पोंचू में हमारी इधर भी पट्टी हो गई है, इधर भी पट्टी हो गई है, तो हमें एक्स्ट्रा फंदे नहीं चाहिए होंगे, सिर्फ 19 के मल्टीपल। तो 19×95 फंदे इसके बीच में है और 18 फंदे इन दोनों पट्टियों के है, 9 इधर और 9 इधर। तो देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5 इसमें ये डिजाइन बने हुए हैं। जब आप पोंचू में इस डिजाइन को एडजस्ट करना चाहेंगी तो फ्रेंड देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बॉर्डर पट्टी बनाने के बाद हमने 9 फंदे यहाँ के निकालने हैं और 9 यहाँ के निकालने हैं। तो 9 फंदे उल्टे बनाने के बाद हम यहाँ से सीधी साइड से एक सिलाई पूरी सीधी बनाएंगे यहाँ 9 फंदे रहने तक। आगे जो 9 फंदे बचेंगे उन्हें उल्टा बना लेंगे। उल्टी साइड से पूरी सिलाई उल्टी बना करके कंप्लीट कर देनी है और उसके बाद हम इस डिजाइन को शुरू करेंगे। अगर ये 2 सिलाइयां हम नहीं बनाएंगे बीच में सीधी और उल्टी तो ये हमारा बीच में डिजाइन का कोई गैप नहीं बचेगा, तो समझ में नहीं आएगा कि बॉर्डर की जो पट्टी की चौड़ाई है वो कितनी है। तो आप इस तरह से इसे जरूर बनाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले इस डिजाइन को बना लेते हैं कि ये कैसे बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा कि ये डिजाइन कैसे बनेगा। ये देखिएगा, यहाँ पर मैंने 38 फंदे लिए हुए हैं, 19×38 और 38 फंदे डालने के बाद मैंने 4 सिलाइयां बनाई हुई हैं, जो देखिए ये वाली हैं। 4 सिलाइयों में ये 2 लाइनें बनती हैं, ये डिजाइन की सिलाई बनी हुई है। तो ये 4 सिलाई बनाने के बाद अब इसकी 5वीं सिलाई है। 5वीं सिलाई इसकी सीधी साइड से पूरी सीधी बनेगी। तो देखिए, धागा पीछे करके इस सिलाई को आप सीधा बना दीजिए क्योंकि 12 सिलाइयों का ये डिजाइन है। 4 सिलाई इसमें उल्टी उल्टी बनती हैं, जो उल्टी साइड से भी उल्टी और सीधी साइड से भी उल्टी। 5वीं सिलाई इसकी पूरी सीधी बनेगी और 6ठी सिलाई इसकी पूरी उल्टी बनेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, 6 सिलाइयां इसकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए जब आप ये 9 फंदे उल्टे बना लेंगे तब आपने इस डिजाइन को बनाना शुरू करना है। जब 9 फंदे उल्टे बन जाएंगे तो उसके बाद देखिए ये जो सीधी लाइन बनी हुई है, 3 बार हमने 2 का 1 करना है। देखिए 1, 2 और ये 3। यहां पर हमने 6 फंदे से 3 फंदे बना दिए हैं। अब धागा पीछे कीजिएगा और एक फंदा सीधा बना दीजिए, फिर धागा अपनी तरफ करके, अब देखिए एक फंदा बनाया तो एक जाली बन गई, फिर धागा अपनी तरफ करके दूसरे फंदे को सीधा बनाएंगी तो यहां दूसरी जाली आएगी, फिर धागा अपनी तरफ करके
3, फिर धागा अपनी तरफ करके 4, फिर धागा अपनी तरफ करके इस पांचवें फंदे को सीधा बना देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके ये छठा फंदा बना दिया। तो देखिएगा इस तरह से आपने यहां पर 3 बार 2 का 1 किया, फिर 1 फंदा सीधा बनाने के बाद धागा अपनी तरफ कीजिए और फंदा सीधा बना दीजिए, फिर धागा अपनी तरफ कीजिए और फंदा सीधा बना दीजिए, तो ये 6 जालियां बन गई हैं। अब धागा अपनी तरफ करके 6 बार हमने 2 का 1 करना है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये देखिएगा यहां हमने 12 फंदे से 6 फंदे रखे हैं और यहां हमने 6 फंदे जाली से बढ़ा दिए हैं। अब धागा पीछे कीजिएगा और 1 फंदा सीधा बनाइएगा और फिर से वही रिपीट करना है। धागा आगे कीजिएगा और फंदे को सीधा बनाइए, फिर धागा आगे करके 1 फंदा सीधा। इस तरह से हमने 6 फंदे बनाने हैं तो 6 जालियां ही हमारी बन जाएंगी। तो धागा आगे कीजिए और फंदे को सीधा बना दीजिएगा। ये देखिएगा लास्ट में मेरे यहाँ पर 6 फंदे बचे हुए हैं। आपके ये जितने भी पार्ट होंगे आपने ऐसे ही करते जाना है। ये 6 जाली बन गई। फिर से आपने बीच में वही 6 बार 2 का 1 करना है, आगे फिर से वही 6 जालियां बनानी है, जितने फंदे होंगे ऐसे बनाने, फिर धागा अपनी तरफ करके लास्ट में ये देखिए ये 6 फंदे हैं, इनसे हम 2 का 1, 2 का 1, 3 बार करेंगे और ये करने के बाद आपके 9 फंदे बचेंगे जो आपने उल्टे बनाने हैं। उल्टी सिलाई इसकी पूरी उल्टी बनेगी, जिसमें इस डिजाइन की भी उल्टी है और इन लाइनों की भी उल्टी है। ये देखिएगा फ्रेंड्स इस तरह से 7वीं सिलाई सीधी थी जिसपे हमने ये डिजाइन बनाया, 8वीं सिलाई पूरी उल्टी हो गई। अब इसकी ये 9वीं सिलाई है। 9वीं सिलाई पर फिर से आपने वही करना है, पहले 9 फंदे ये उल्टे बनाइए जो पट्टी के हैं और उसके बाद फिर 3 बार 2 का 1 कीजिएगा। देखिए इस तरह से 2 का 1 किया, फिर 2 का 1 किया, फिर से हमने 2 का 1 किया। ये 3 बार 2 का 1 करने के बाद धागा पीछे कीजिएगा और 1 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके वही हमने 6 बार जालियां बनानी। देखिए 1 फंदा सीधा बनाया तो 1 जाली हो गई, फिर धागा अपनी तरफ करके 2, फिर धागा अपनी तरफ करके 3, फिर धागा अपनी तरफ करके ये 4, फिर धागा अपनी तरफ करके 5, फिर धागा अपनी तरफ करके 6। इस तरह से यहाँ 6 जालियां आ गई। फिर धागा अपनी तरफ कर लीजिएगा और 6 बार 2 का 1, 2 का 1 कीजिएगा। तो देखिए 1, 2, 3 और ये 4, 5 और ये 6। ये देखिए 6 बार हमने 2 का 1 किया। फिर धागा पीछे करेंगे और 1 फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके अब 6 जालियां बनानी है। देखिए 1, 2, 3, 4, धागा अपनी तरफ कर लीजिएगा और फिर फंदा सीधा बनाइए, 5, अब धागा अपनी तरफ करके ये देखिए 6। इस तरह से आप इस पार्ट को ऐसे रिपीट करते जाएंगे और लास्ट में देखिएगा यहाँ पर ये जो 6 जाली बनी उसके बाद हमारे ये देखिए 6 फंदे हैं। धागा अपनी तरफ करके 2 का 1, फिर धागा अपनी तरफ करके 2 का 1, फिर धागा अपनी तरफ करके ही 2 का 1। ये देखिए ये उल्टे बने हैं हमारे, 2 का 1 हो गया। लास्ट में हमारे 9 फंदे बचेंगे जो पट्टी के हैं, वो हमने उल्टे बनाने हैं। उल्टी सिलाई फिर से पूरी उल्टी बनेगी, तो 10वीं सिलाई उल्टी बननी है। 10 सिलाइयां बन चुकी हैं, ये इसकी 11वीं सिलाई। 11वीं सिलाई पर फिर वही करना है, ये जो पट्टी के फंदे हैं ये पहले उल्टे बना लीजिएगा 9 फंदे बनाने के बाद फिर से आपने 3 बार 2 का 1, 2 का 1 करना। देखिए 1 बार हो गया, ये 2 बार और ये 3 बार, फिर धागा पीछे कीजिएगा और 1 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके उसी तरह से हमने 6 जालियां बनानी है। देखिए 1, धागा अपनी तरफ करके 2, फिर धागा अपनी तरफ करके ये 3रा फंदा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ करके 4 फंदे बन गए, फिर धागा अपनी तरफ करके 5, फिर धागा अपनी तरफ करके 6। इस तरह से जब हम धागा अपनी तरफ करके बार बार फंदा बनाते हैं तो देखिए जाली बनती चली जाती है। फिर धागा अपनी तरफ करके 6 बार 2 का 1 करना है। तो देखिए 1, 2, 3, 4,
पांच और ये छह। इस तरह से छह बार हमने दो का एक किया, फिर धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके हमने वही छह जालियां रिपीट करनी है। देखिए हम इसे सीधा बनाएंगे इस फंदे को, एक धागा अपनी तरफ किया, दो फिर धागा अपनी तरफ करके, तीन फिर से धागा अपनी तरफ करके, चार फिर धागा अपनी तरफ करके, पांच फिर धागा अपनी तरफ करके, छह। तो इस तरह से ये हमारी छह जालियां आ गई। फिर धागा अपनी तरफ कीजिएगा, जब आपका ये पूरा डिजाइन रिपीट हो जाए तो देखिए लास्ट में फ्रेंड्स आपने यहाँ पर जो जाली बनी है, ये जो आपके फंदे बचे हैं, छह फंदे हैं, दो बार तीन बार दो का एक, दो का एक करना है। तो देखिए एक और ये दो और ये तीन, जब ये तीन बार दो का एक हो जाएगा तो लास्ट में आपके नौ फंदे बचेंगे, आप उन्हें उल्टा बना दीजिए। तो 11 सिलाइयां कंप्लीट हो गई हैं, 12वीं सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। तो 12वीं सिलाई उल्टी बनाने के बाद जब आप सीधी साइड से आएंगे तो फिर से आपने इस डिजाइन को रिपीट करना है। तो ये फंदे आपके वही उल्टे ही हैं, तो यहां से ये सिलाई पूरी उल्टी बनेगी, फिर उसकी जो उल्टी साइड से सिलाई आएगी वो भी पूरी उल्टी, फिर सीधी साइड से पूरी उल्टी, फिर उल्टी साइड से पूरी उल्टी, यानी चार सिलाइयों में ये दो लाइनें आपसे फिर से बनानी है। फिर जो इसकी छठी सिलाई पांचवी सिलाई है वो सीधी और छठी सिलाई पूरी उल्टी। सातवीं सिलाई पर जो डिजाइन मैंने अभी बनाकर दिखाया ये बनेगा। इस तरह से डिजाइन तो हमारा ये रिपीट हो गया है। अब फ्रेंड्स आ जाइएगा कि हमने इसकी जो ये लेंथ रखनी है वो कितनी रखनी है। आपने जो फंदे डाले हैं उसमें आप थोड़ा सा पहले इसको बना लीजिएगा, बना के जितने फंदे हैं उन्हें दो सिलाइयों में कीजिएगा और इस तरह से पूरा सीधा कर लीजिएगा। फिर आप इसका नाप लीजिएगा कि इसकी जो ये आपकी जो चौड़ाई है वो कितनी है। ये देखिएगा मेरी इसकी 19 इंच चौड़ाई है। जो हमने ये लंबाई रखनी है वो हमने फ्रेंड्स इसी के हिसाब से रखनी है। इस चौड़ाई का जो आप नाप लेंगी फ्रेंड्स उसमें से जो आपने गले की लंबाई रखनी है, देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये जो गले की लंबाई है आप इतना रखिएगा ध्यान कि आपको गला डीप चाहिए या नॉर्मल चाहिए। छोटा गला चाहिए आप 6 इंच का रख सकती हैं, बड़ा गला चाहिए तो 7 इंच का या 8 इंच का रख सकती हैं। तो इस चौड़ाई में से आपने उतना ही इंच घटा देना है। ये देखिएगा मैं 7 इंच रखूंगी तो 7 इंच मैंने ये निकाला, आगे बच गया 13 इंच। तो जो ये लंबाई बनेगी मेरी अब ये 13 इंच बनेगी। अगर आप 8 इंच का गला बनाएंगी तो ये लंबाई आपको 12 इंच रखनी होगी इसमें से। तो देखिएगा यहाँ पर ये अभी मेरी जो है 11.5 इंच बनी है, तो 1.5 इंच और बननी है। तो उसके लिए हमें देखिएगा 11.5 इंच बना लीजिएगा इसे लगातार। अब हमने यहाँ पर गले की जो पट्टी के फंदे बनेंगे तो उसमें ये लेंथ भी पूरी हो जाएगी। ये फ्रेंड्स 11.5 इंच इसकी ये लंबाई हो चुकी है, बनानी हमने ये 13 इंच है। तो अब हमने यहाँ पर अपनी गले की पट्टी बनानी है, जिससे जब हम ये गले की पट्टी बनाएंगे जिसमें 6 या 8 सिलाइयां बनाएंगे तो उसमें हमारी यहाँ से भी इसकी लंबाई बनेगी जो 13 इंच पूरी हो जाएगी। तो मैं आपको ये डिजाइन जो बने हुए हैं ये गिनवा देती हूँ कि इसमें मैंने कितने बनाए हुए हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आएगी। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। 8 डिजाइन कंप्लीट होने के बाद जब हम इसमें 9वां डिजाइन बनाना शुरू करेंगे तो देखिए उसकी ये जो उल्टी सिलाइयों से हमने 4 सिलाइयों में 2 लाइनें बनती हैं वो भी बना करके कंप्लीट की हुई हैं, और 2 सिलाई सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी, यानी ये डिजाइन हमने देखिए यहां से यहां तक का बनाया हुआ। इतना बनाने के बाद अब हम यहाँ पर गले की पट्टी बनाएंगे, जैसे कि देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर बनी हुई है। जैसे ये पार्ट यहाँ से बनना शुरू हुआ था यहाँ तक बनता गया, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये गले की पट्टी बनी हुई है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए फ्रेंड जैसे मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक इसका नाप बताया था, 1 और ये 2, ये 2 डिजाइन तक इसमें हमारी यहाँ तक हम इसमें लगभग मैं इसमें यहाँ पर 40 फंदे उल्टे लूंगी। आप इसमें 38 भी ले सकती हैं और 40 भी ले सकती, मैं यहाँ पर 40 फंदे लूंगी। तो देखिए धागा अपनी तरफ करके हमने ये डिजाइन आगे बनाना है, 40 फंदे हमने गले की पट्टी के उल्टे करने हैं। तो मैं धागा अपनी तरफ करके पहले 40 फंदे उल्टे बना लेती हूँ। ये देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो मैंने उल्टे फंदे बनाए हुए हैं गले के, ये 40 की जगह मैंने 41 फंदे बना लिए हैं। तो आप इस तरह से 40 बनाइए या 41 बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी होगी। अब ध्यान दीजिएगा कि आगे हमने इस डिजाइन को कैसे एडजस्ट करना है। यहाँ पर
ये जो हमने 38 फंदे में हमारे दो पार्ट बनते हैं, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि 9 फंदे हमारे पट्टी के हैं और 41 फंदे मैंने टोटल बनाए हैं, तो 9 फंदे पट्टी के और 32 फंदे मैंने ये जो दो पार्ट हैं इनमें से ले लिए हैं, तो फंदे बच गए अभी इस डिजाइन के 6। तो आगे जो हम यहाँ बीच में देखिएगा, 6 बार 2 का 1 करते थे, तो इधर हमारी जाली से पहले 3 फंदे बढ़ रहे थे, तब हमारे यहाँ 6 बार 2 फंदे होते थे। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ 3 फंदे जो बढ़ेंगे वो यहाँ घटाने हैं, तो अब हम यहाँ बीच में 6 बार 2 का 1 नहीं करेंगे। ये ध्यान देने की बात है फ्रेंड्स, क्योंकि ध्यान दीजिएगा यहाँ जो 38 फंदे थे उनमें से 32 मैंने उल्टे ये बना लिए हैं और 9 ये पट्टी के, तो 41 फंदे मैंने गले के निकाल लिए हैं। तो ये जो 12 फंदे हैं जिनका हम 6 बार 2 का 1 करते हैं, उनमें से हम यहाँ 3 बार 2 का 1 करेंगे, और जो 6 फंदे बच गए उनको हम क्या करेंगे, खाली खाली सा ना लगे इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 में से 3 फंदे ये सीधे बना देंगे और धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे बना देंगे, जिससे ये थोड़ा डिजाइन सा भी बन जाए और यहाँ हमारे ये खालीपन भी इसमें नजर ना आए। तो देखिए 3 सीधे हो गए, 3 उल्टे हो गए, ये 6 फंदे हमारे इस डिजाइन में से बचे हुए हैं। अब आगे हमने अपने इस डिजाइन को बनाना है, देखिए 3 बार अब हम 2 का 1 करेंगे, 1 और ये 2 और ये 3। अगर फ्रेंड्स आप यही डिजाइन बनाएंगी तो आप इसी तरह से बनाइएगा, ये आपने अपने फंदे का हिसाब इस तरह से रखना, कोई और डिजाइन बनाएंगी तो उसमें आप देख लीजिएगा कि वो डिजाइन आपका कैसे एडजस्ट होएगा। 3 बार 2 का 1 करने के बाद धागा अपनी तरफ कीजिएगा और एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके 6 जालियां बनाइएगा, फिर बीच में आपने 6 बार 2 का 1 करते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कीजिए। इस तरह से डिजाइन को एडजस्ट करते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कीजिएगा और फिर इसकी जो उल्टी सिलाई बनेगी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप पूरी उल्टी बना दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हम यहाँ पर गले की पट्टी बना रहे हैं इसकी एक लाइन आ चुकी है जो 2 सिलाइयों में बनती है, अभी हमने यहाँ पर 4 लाइनें और बनानी है। तो इसी तरह से यहाँ तक के जो 41 फंदे हैं इन्हें आप उल्टा बनाइएगा। आगे हमने ये देखिएगा यहाँ पर ये जो 3 फंदे सीधे और फिर 3 उल्टे किए हुए हैं, यहाँ पर जब ये डिजाइन आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अभी इस डिजाइन की यहाँ पर 2 सिलाई बनी है जो हम ये जाली बना रहे हैं, क्योंकि 6 सिलाइयां ये बनती हैं, 4 ये और 2 ये, और 6 सिलाइयां ये जाली की बनती हैं, तो 4 तो 6 तो ये पहले हो चुकी थी, अब 6 में से 2 ये बन चुके हैं। तो आप या तो इन्हें सीधे सीधे ही बना लीजिएगा या आप इन फंदे को पलट दीजिएगा, जैसे ये जो हमने 3 यहाँ पर उल्टे किए हुए हैं उनको यहाँ पर कर दें, ये उल्टे बना लीजिए और ये जो यहाँ पर सीधे हैं ये यहाँ पर सीधे बना लीजिए, तो थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा। तो अब मैं आपको ये पूरी इसकी 5 लाइनें हो जाएंगी तब आपको बताऊंगी कि इसमें कैसे करना है, तो मैं बना लेती हूँ फ्रेंड्स एक बार। तो आप इस तरह से इसे रिपीट करते जाइएगा, यहाँ पर आपका ये डिजाइन चलता जाएगा और ये जो 41 फंदे यहाँ पर लिए हुए हैं ये यहाँ पर उल्टी साइड से भी उल्टे और सीधी साइड से भी उल्टे बनाते हुए आप यहाँ पर ये 5 लाइनें बनाइए। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी ये 4 लाइनें बन चुकी हैं, अभी हमने यहाँ पर एक लाइन और बनानी है, तो ये जो 4 लाइनें बनेगी ये आपकी 8 सिलाइयों में जाकर कंप्लीट होंगी। जो 5वीं लाइन बनेगी फ्रेंड्स वो हमने देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 34 फंदे बाइंड ऑफ करने हैं, ये जो हमने 41 फंदे गले की पट्टी के रखे हुए हैं उसमें से हम 34 फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे। जब फंदे बाइंड ऑफ करेंगे तो ये 5वीं लाइन बन जाएगी। जो 7 फंदे इसमें यहाँ पर बचेंगे उससे हमारी ये देखिएगा इस गले की ये वाली पट्टी बनेगी। इसमें फंदे कैसे बाइंड ऑफ करने हैं आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, देखिएगा ये जो हम यहाँ पर 2 का 1 करते हैं ये फंदा जो आएगा सिलाई में ये आपने बिल्कुल लूज रखना है, इसे वापस सिलाई में डालकर देखिए इस वाले फंदे के साथ लेकर 2 का 1 कर देना है, फिर से इसको इतना ही लूज रखना है और अगले वाले फंदे के साथ लेकर के 2 का 1 कर देना है। इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक 34 फंदे आपने बाइंड ऑफ करने हैं और बिल्कुल लूज लूज हाथ से बंद कीजिएगा जिससे कि ये किनारे इसकी टाइट ना हो। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से 34 फंदे ये बाइंड ऑफ हो चुके हैं।
और यहाँ पर देखिएगा 6 फंदे हमारे इस सिलाई में हैं और एक फंदा हमारा ये है, तो अब ये 7 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। देखिए 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये जो हमने 7 फंदे रखे हैं यहाँ पर फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा जितनी चौड़ाई हमारी इस पट्टी की होती है इतनी ही हमारी इसकी होनी चाहिए। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर बनाई हुई है, जितनी ये है इतनी ही हमारी ये होनी चाहिए, जिससे गले हमारा ये बनेगा तो ये दोनों बराबर हों। अब आगे हमने अपने डिजाइन के हिसाब से फंदे बनाने हैं, जैसे हमारे डिजाइन के हिसाब से होंगे। यहाँ पर देखिएगा जैसे मैंने बताया था, ये 3 फंदे यहाँ पर मैंने सीधे रखे थे, यहाँ पर मैंने उल्टे रखे थे। जब ये 6 सिलाइयां बन गई तो मैंने यहाँ पर देखिए ये जो 3 सीधे थे ये उल्टे कर दिए हैं और ये जो उल्टे थे यहाँ पर ये सीधे कर दिए। इससे यहाँ पर एक ये डिजाइन सा बनता चला जाएगा और इसकी लुक भी अच्छी आएगी। तो आगे मैं डिजाइन के हिसाब से सिलाई बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इस तरह से हमने इसको आगे बनाते हुए जाना है। ये जो पट्टी के 7 फंदे हैं ये उल्टे बनते जाएंगे और यहाँ पर अपने डिजाइन के हिसाब से हम इसे रिपीट करेंगे। अब इसे हमने कितना बनाना है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये देखिएगा ये जो अब हमने फंदे बाइंड ऑफ किए हैं, इसे आप ऐसे नाप कर देखिएगा। अब हम इसे नापे तो ये 6.5 इंच बन रहा है। इसमें से ये जो 9 फंदे पट्टी के हैं आप इनका नाप लीजिएगा। देखिए ये हमारे 1.5 इंच है, तो अब हमने 5 इंच बनाना है। इसे ऐसे ही रिपीट करते हुए जाइएगा, ये फंदे उल्टे और बीच में डिजाइन। तो इसे मैं 5 इंच बनाने के बाद फिर हमने क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स ये जो फंदे हैं इसके साइड से जब दूसरा पार्ट आएगा तो वो यहाँ पर सिलाई होगी, अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पर कंधे पर आना है ये, तो एक कंधे पर तो हमारे ये आ जाएंगे, तो 9 फंदे ये 9 फंदे उधर के ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी हमने ऐसे ही बनाना है जैसे कि इसमें बनाया हुआ। ये देखिएगा ये हमारी सिलाई होने के बाद इतने चौड़ी हो गई पट्टी, और ये फंदे हमने यहाँ पर उल्टे उल्टे बना करके ये पट्टी तैयार करनी है। तो फ्रेंड्स मैं इसे 5 इंच बना लेती हूँ, फिर आगे आपको। ये फ्रेंड्स मैंने इसकी ये लंबाई बना करके कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर जो हम डिजाइन बना रहे हैं ये हमने तब तक ही बनाना होता है जब तक इसकी ये वाली लंबाई, आप देखिए इसे इस तरह से नाप कर देख लीजिएगा ऐसे, ये जो 9 फंदे पट्टी के हैं जब इसकी लंबाई इतनी बननी बाकी रह जाए तब तक आप इसमें ये डिजाइन अप्लाई कीजिएगा, उसके बाद हम ये डिजाइन बनाना बंद कर देंगे। 9 फंदे ये और 9 फंदे दूसरी साइड के, 18 फंदे की जितनी चौड़ाई होती है उतनी चौड़ी पट्टी अब हमने यहाँ पर उल्टी उल्टी लाइनों की बनानी है, जो कि हमारी सीधी साइड से भी उल्टी बनेगी और उल्टी साइड से भी उल्टी बनेगी, क्योंकि फ्रेंड्स एक कंधे पर हमारी ये वाली साइड आएगी और एक कंधे पर हमारी ये वाली साइड आएगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये जो हम डिजाइन यहाँ पर बना रहे हैं इसकी 6 सिलाइयां कंप्लीट हो चुकी हैं, 4 सिलाइयां देखिए उल्टी उल्टी बनी हुई है और 2 सिलाइयां सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी। आगे हम इसमें ये डिजाइन नहीं बनाएंगे, अब इसमें उल्टी उल्टी लाइनें बनानी है और उसकी चौड़ाई का नाप आप देखिए इन 18 फंदे जितना बना लीजिए। इसमें लगभग 12 लाइनें बनेंगी जो कि 24 सिलाइयों में कंप्लीट होती हैं, तो मैं इसमें 12 लाइनें बना करके फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर ये 12 लाइनें मैंने बना करके कंप्लीट कर ली हैं। अब मैं आपको इसका एक बार फिर से नाप बता रही हूँ। ये देखिए ऐसे फोल्ड कीजिएगा और ऐसे नाप कर देख लीजिएगा। अब ये देखिए इतनी पट्टी हमारी ये ऊपर जो बच रही है, तो 9 फंदे की जो हमारी पट्टी यहाँ पर हमने दूसरी साइड की यहाँ सिलाई करेंगे उसका ये पार्ट ऊपर चला गया है। अब हमने क्या करना है, ये देखिए यहाँ से ये जो 2 सिलाई, एक सीधी साइड की सीधी और एक उल्टी साइड की उल्टी है, इसके बाद हमने वो 2 सिलाइयां बनानी है, फिर ये 4 सिलाइयां बनाएंगे जिसमें ये 2 लाइनें आएंगे, फिर हम ये वाली 2 सीधी सिलाइयां बनाएंगे जिससे हमारा ये डिजाइन अब नीचे की तरफ बनता आएगा। तो जो डिजाइन हमने अब यहाँ से शुरू किया हुआ है वो डिजाइन अब हमने यहाँ से ऐसे शुरू कर देना है दूसरी साइड पर। इसको ऐसे बनाते हुए फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये जो हमने फंदे बाइंड ऑफ किए थे यहाँ पर, यहाँ तक का इतना पार्ट अब बनाना है। तो इतना बनाने के बाद फिर ये जो हमने फंदे यहाँ पर बाइंड ऑफ किए थे ये वापस से हमने फंदे यहाँ पर बनाने हैं, तो मैं आपको यहाँ से अब इसे बना करके जितनी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की है इतनी बनाने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, इस पार्ट की हमने ये लंबाई बना करके कंप्लीट कर ली है। ये जो लंबाई है ये सेम इतनी ही है जितनी यहाँ से हमने ये गले की पट्टी के फंदे पॉइंट ऑफ करने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाई हुई है। आप इसका नाप ले लीजिएगा। ये देखिए, ये जो 12 लाइनें हैं इन्हें बीच में से ऐसे पकड़ लीजिए और फोल्ड करके यहाँ तक इसे नाप लीजिए। ये देखिएगा, अब हमने ये जो गले की पट्टी के फंदे पॉइंट ऑफ किए थे इन्हें दोबारा से बनाना है। इनको कैसे बनाना है आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये देखिएगा, यहाँ पर हमने ये सीधी सिलाई अब इस तरह से हम बुनते जाएंगे। उससे पहले हम यहाँ पर फंदे बना लेंगे। तो फंदे कैसे बनाएंगे देखिएगा, इस फंदे को ऐसे लीजिएगा और इसमें से एक फंदा बना लीजिएगा। इस फंदे को इस सिलाई में वापस डाल दीजिएगा और इसी में से एक फंदा और बना लीजिएगा। इस फंदे को फिर से इस सिलाई में डाल दीजिएगा और एक फंदा फिर से बना लीजिएगा। अब देखिए, ये जो फंदा है इसे इस सिलाई में ऐसे डाल देंगे और फिर से देखिए एक फंदा ऐसे बना लेंगे। इसको फिर से इस सिलाई में डालेंगे और एक फंदा और बना लेंगे। फिर से सिलाई में इसको डाल लेंगे और इसी में से एक फंदा और बना लेंगे। ऐसे करते हुए मैं इसमें 35 फंदे बनाऊंगी फ्रेंड्स। तो क्योंकि 34 फंदे हमारे जो है पट्टी के हैं, एक फंदा हम एक्स्ट्रा बनाएंगे। क्योंकि देखिए, जब हमने यहाँ से फंदा बनाना शुरू किया है तो ये फंदा हमारा खिंच गया है। बनाते टाइम हम यहाँ दो का एक कर देंगे तो हमारे 34 ही रह जाएंगे। तो देखिए कैसे बनाने, एक बार फिर से देख लीजिएगा। इस फंदे को इस तरह से सिलाई में लीजिए और एक फंदा इसमें से बना लीजिए। फिर से इसे सिलाई में लीजिए और इसी में से एक फंदा बना लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 35 फंदे बना लिए हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसे बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से देखिए, उल्टी सिलाई हमने बनानी है। इस तरह से करते ही ने उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो मैं इसकी ये सिलाई उल्टी बना लेती हूँ यहाँ तक। ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पर 35 फंदे बनाए हैं, जो फंदे मैंने एक्स्ट्रा बनाए थे। और ये वाला जो फंदा हमारा लूज हुआ है, ये वो फंदा है जिसमें से हमने इस वाले फंदे में से फंदे बनाना शुरू किया था। तो अब इसे हमने यहाँ पर टाइट करना है। तो इस वाले फंदे को इस वाले फंदे के साथ लेकर के थोड़ा सा धागा टाइट करके इसको दो का एक कर देंगे। तो देखिएगा, अब 35 फंदे वो थे, ये सात में से हमने यहाँ दो का एक किया इसको टाइट करने के लिए। तो वापस से हमारे वही 41 फंदे रह गए हैं। तो ये 41 फंदे यहाँ पर हमारे उल्टे हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 41 फंदे उल्टे बनने के बाद आगे हमारे डिजाइन के फंदे हैं। तो ये देखिएगा, ये जो हमने यहाँ पर 6 फंदे लिए हुए थे, यहाँ अब ये 3 उल्टे हैं, 3 सीधे हैं। अब यहाँ पर मैं सीधे करूंगी और यहाँ पर मैं उल्टे करूंगी। तो धागा पीछे, ये देखिएगा, एक और ये 2 3। अब धागा अपनी तरफ करके 1 2 और ये 3 उल्टे। अब देखिएगा, यहाँ की हमारी एक लाइन आ चुकी है और ये जो अब हम यहाँ से अपना ये जाली वाला डिजाइन शुरू करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ से इस डिजाइन को शुरू करते हुए ये सिलाई पूरी कंप्लीट करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड की इसकी उल्टी सिलाई मैंने बना करके उल्टी कंप्लीट कर ली है। अब फिर से हम सीधी साइड पर हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक के 41 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। आगे अपने डिजाइन को जैसे है वैसे ही बनाते हुए जाना है। एक लाइन ये दोनों साइड की सिलाई कंप्लीट होने पर पूरी एक लाइन बन जाती है। तो अब हमने इसमें 4 लाइनें और बनानी हैं। 4 लाइनें बनाने के बाद फिर से हमने, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा आप, यहां जब हमारी ये लाइनें कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर से आगे हमने यहां से लेकर यहां तक इस पूरे पार्ट में अपने डिजाइन को एडजस्ट करना है। तो मैं इसकी ये एक लाइन बन चुकी है, 4 लाइनें और बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी ये पूरी 5 लाइनें बन चुकी हैं, जो 5 लाइनें हमने यहाँ पर बनाई हुई हैं। अब हमने क्या करना फ्रेंड्स, देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस 5 लाइन से नीचे हमारी 2 सिलाइयाँ सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बनी हुई है। ये देखिएगा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो हम डिजाइन बना रहे हैं इसके यहाँ पर ये जाली पैटर्न खत्म होने के बाद 4 सिलाइयाँ बनी हुई हैं, जो उल्टी उल्टी सिलाइयों में 2 लाइनें आती हैं। अब हमने यहाँ पर 2 सिलाइयाँ बनानी है, सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी। तो यहाँ पर हम अपने वही पट्टी के 9 फंदे उल्टे बनाएंगे, उससे आगे के फंदे पूरे सीधे और यहाँ पर 9 फंदे रहने तक बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये 9 फंदे उल्टे बनाए हैं, जो कि देखिएगा हमारी यहाँ पर ये पट्टी है, इसके वाले यहाँ 9 फंदे सेट हो गए हैं। अब हमने बीच में सीधी सिलाई बनानी है।
ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये दो सिलाई बना ली हैं, जो सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी। यहाँ नौ फंदे उल्टे हैं और यहाँ पर नौ फंदे उल्टे हैं। जो हम ये डिजाइन यहाँ पर बना रहे हैं, अगर इसके हिसाब से देखें तो देखिए, ये दो सिलाइयां हमारी सीधी बनने के बाद ये जो जाली पैटर्न है ये बनता है। लेकिन यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर अब हमने जाली पैटर्न बना दिया इन दो सिलाई सीधी उल्टी के बाद, तो ये जो हमारी गले की पट्टी है इसमें ऐसे जिगजैग बन जाएगा। ऐसे जैसे हमारी यहाँ पर ये गले की पट्टी है, ऐसे सीधी नहीं बनेगी। तो उसके लिए हमने क्या करना है, जैसे यहाँ पर ये जो पांच लाइन है, इससे नीचे ये दो सिलाइयां सीधी उल्टी हैं और उसके नीचे ये देखिए दो लाइनें हैं जो चार सिलाइयों में बनती हैं। तो हम ये एक्स्ट्रा सिलाइयां यहाँ पर बना रहे हैं, इससे इसमें कोई डिफरेंट नहीं आएगा। तो आप इस तरह से इसमें जरूर बनाइएगा, नहीं तो यहाँ पर जो जिगजैग बनेगा उससे एक साइड के ये गले की लुक खराब हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे, तो चार सिलाइयां बनाएंगे जिसमें हमारी ये दो लाइनें आएंगी। तो मैं ये चार सिलाइयां उल्टी साइड से उल्टी, सीधी साइड से उल्टी बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये चार सिलाइयां उल्टी साइड से उल्टी और सीधी साइड से उल्टी बनाने पर ये दो लाइनें आ गई। अब देखिएगा, ये जो डिजाइन हम बना रहे हैं, ये चार सिलाइयों के बाद हमें दो सिलाई सीधी और उल्टी बनानी होती है, तब हमारा ये डिजाइन सुंदर लगता है। तो अब हम इस डिजाइन को ठीक ऐसे ही रिपीट करेंगे जैसे कि हमारा यहाँ से, देखिएगा जैसे कि ये यहाँ से हो रहा है। ये जो हमारी दो लाइनें आई हैं उल्टी उल्टी जो चार सिलाइयों में बनती हैं, उसके बाद यहाँ दो सिलाइयां बनानी होती हैं, एक सीधी साइड से सीधी और एक उल्टी साइड से उल्टी, फिर हमारा ये जाली पैटर्न शुरू होता है। ठीक वैसे ही अब हम इसमें यहाँ से करेंगे। तो चार सिलाइयां तो ये बन चुकी हैं, अब दो सिलाइयां हमने सीधी उल्टी बनानी है। तो पहले तो देखिये, ये नौ फंदे जो हमारे पट्टी के हैं ये तो उल्टे ही बनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ और ये नौ। ये नौ फंदे पट्टी के उल्टे बनाने के बाद बाकी के फंदे हमारे सीधे बनेंगे। यहाँ पर नौ फंदे रहने तक उल्टी सिलाई इसकी पूरी उल्टी बनेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से ये जो जाली का डिजाइन हमारा स्टार्ट होता है ये वाला, जैसे हमने यहाँ से इसको शुरू किया था, ठीक ऐसे ही अब हम इसे यहाँ से शुरू करेंगे। तो आप एक बार ध्यान दीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये नौ फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ और ये नौ। ये नौ फंदे हमारे पट्टी के हैं। अब यहाँ से हमारा ये जाली वाला जो डिजाइन है वो शुरू होएगा। तो तीन बार हम दो का एक करेंगे। देखिए, एक और ये दो और ये तीन। ये देखिए ठीक ऐसे ही इसकी स्टार्टिंग हो गई है जैसे हमने यहां से की थी। अब हम आगे वही जाली बनाएंगे। मैं थोड़ा सा आपको बना करके दिखा देती हूँ। धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा, धागा आगे करके, अब देखिए एक जाली, धागा आगे करके दो, धागा आगे करके तीन, फिर धागा अपनी तरफ करके चार, धागा अपनी तरफ करके पांच और धागा अपनी तरफ करके छह। आप इन्हें इस तरह से गिन भी सकती हैं। देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छह। छह जाली बनाने के बाद फिर धागा आगे करके वही छह बार दो का एक कीजिए, दो का एक कीजिए, फिर छह बार जाली डालिए। इस तरह से करते हुए यहाँ पर हमारा ये डिजाइन सेट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स, हम इसको इसी तरह से अपने डिजाइन को रिपीट करते जाएंगे जैसे हमने ये बनाया हुआ है। और इस पार्ट को हम देखिए, यहाँ तक हम इसमें आ गए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हमने इस पार्ट को बना करके कंप्लीट कर लेना है। डिजाइन को सेम ऐसे ही बनाते हुए जाना है और यहां से लेकर अब यहां तक। जब यहां तक मेरा ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आपको इसकी ये पट्टी बनाना बताऊंगी कि ये वाला हमने यहां पर किस तरह से सेट करना है और इसकी सिलाई बताऊंगी। ये फ्रेंड्स, जितनी लंबाई हमारी यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर इस गले की यहाँ की घटाई तक बनी हुई है, ठीक उतनी ही लंबाई मैंने अब यहाँ पर ये गले की पट्टी बनाने के बाद ऊपर बना करके कंप्लीट कर ली है। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स,
यहाँ पर जब आपका ये डिजाइन खत्म होता है आपने इसका एंड ठीक ऐसे ही करना है जैसे कि इसकी यहाँ से स्टार्टिंग है। तो इस पट्टी के बाद देखिएगा, दो सिलाई सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बनी हुई है, फिर चार सिलाइयां बनी हुई हैं जिसमें हमारी ये दो लाइनें आई हैं। तो ठीक ऐसे ही अब हमने यहाँ पर बनाई हुई है। देखिएगा जब ये डिजाइन खत्म हो गया तो हमने चार सिलाइयां बनाई हैं जिससे हमारी ये दो लाइनें आ गई, जो उल्टी साइड से भी उल्टी और सीधी साइड से भी उल्टी बनी है। फिर हमने ये दो सिलाइयां बनाई हैं सीधी और उल्टी। तो ये हमारा यहाँ तक का जो पार्ट है इसमें यहाँ तक का बन के कम्प्लीट हो गया। अब हमने ये जो पट्टी बनी हुई है ये पट्टी बनानी है। तो इस पट्टी में देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो हमने छह लाइनें बनाई हुई हैं, तो जब हमने स्टार्टिंग किया तो सिंगल धागे से फंदे डाल के फिर बनाना शुरू किया तब हमारी ये छह लाइनें बनी है, तो 12 सिलाइयों में। लेकिन जब हम इसकी इधर से जाते हुए पट्टी बनाएंगे तो अब हम पांच लाइनें बनाएंगे, क्योंकि जो छठी लाइन आएगी वो सीधी साइड से फंदे बंद करने से ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो अब मैं इसकी 10 सिलाइयां बना लेती हूँ, 10 सिलाइयों में इसकी पांच लाइनें आ जाएंगी। तो फिर मैं आपको इसे आगे दिखाती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर ये पांच लाइनें पूरी हो चुकी हैं, एक दो तीन चार और ये पांच, पांच लाइनें 10 सिलाइयों में कंप्लीट हुई हैं। छठी लाइन जो हमारी आएगी वो आप देखिए इस तरह से सीधी साइड से फंदे बाइंड ऑफ करने से इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पर देखिए मैंने थोड़े से फंदे बाइंड ऑफ किए हैं, एक दो तीन चार पांच और ये छह, इस तरह से हमारी ये छठी लाइन कंप्लीट हो जाएगी। इसमें जो फंदे बाइंड ऑफ करने हैं वो हल्के से लूज हाथ से करने हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कैसे करने हैं, ये देखिए ये जो दो का एक किया फंदा है ये आपका इतना लूज होना चाहिए, और इसको अगले वाले फंदे के साथ इस तरह से लेकर दो का एक कर देंगे। और फिर से देखिए ये जो हमने दो का एक किया है ये फंदा इतना लूज होना चाहिए, फिर इसे सिलाई में डालेंगे और अगले वाले फंदे के साथ लेकर दो का एक कर देंगे, फिर से इसको सिलाई में लेंगे और फंदा ये लूज होना चाहिए, अगले फंदे के साथ लेकर दो का एक कर देंगे, फिर से ये फंदा इतना लूज होना चाहिए, अगले वाले फंदे के साथ लेकर दो का एक कर देंगे। तो इस तरह से करते हुए हमने ये सारे फंदे बाइंड ऑफ कर देने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से सारे फंदे बाइंड ऑफ हो चुके हैं और यहाँ हमारी पूरी छह लाइनें अब आपको देखिए इस तरह से नजर आ रही हैं। ये जो यहाँ पर फंदे बाइंड ऑफ करने के बाद हमने धागा टाइट किया है, इसको हमने यहाँ से ऐसे ही नहीं काटना है, इसको आप क्रोसिए से थोड़ा सा इतना सा धागा काट लीजिएगा और यहाँ से नॉट लगाते हुए यहाँ तक आप इसे थोड़ा सा टाइट कर देना ताकि ये नॉट ना खुले। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ये पोंचू बन के तैयार हो गया है। आप यहाँ तक इसे नीचे देखिएगा, इस तरह से हमारा ये ट्राइंगल शेप में पोंचू बना है। अब इसकी सिर्फ ये वाली सिलाई बाकी है, तो आपने क्या करना है ये देखिएगा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों पार्ट इस तरह से सिलने हैं। इसे हम सीधी साइड से ही सिलेंगे, इस तरह से इसकी सिलाई नजर नहीं आएगी, तो मैं आपको इसे सील के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने अपना यही वाला धागा सुई में ले लिया है जो यहाँ फंदे डालने से बचा हुआ था। तो पहले तो हम यहाँ पर इसे थोड़ा सा आपस में ज्वाइंट करेंगे, इस तरह से एक या दो बार यहाँ कोने पर ही सुई निकाल करके इसे आप अच्छे से ज्वाइंट कर लीजिएगा। फिर आप इसको देखिएगा इस तरह से लीजिएगा और ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये वाला जो धागा है ऊपर वाली साइड से इसको ऐसे सुई में लीजिएगा, क्योंकि हम इसे सीधी साइड से सिलेंगे तो यहाँ पर सिलाई नजर नहीं आएगी क्योंकि दोनों साइड उल्टी उल्टी लाइनें हैं। फिर इधर वाली साइड से देखिए इसमें ऐसे सुई डाल लीजिएगा और फिर इसको ऐसे खींच दीजिएगा। फिर आगे देखिएगा ये वाली जो लाइन है इसमें से ऐसे इस फंदे के ऊपर से ऐसे सुई डालेंगे और इसको ऐसे निकाल देंगे। फिर देखिए इधर से जो ये तीसरी लाइन है इसमें भी इस फंदे के ऐसे ऊपर से ऐसे सिलाई डालेंगे और इसको खींच देंगे। अब देखिएगा इधर से जो ये चौथी लाइन है इसमें से ऐसे सुई डालेंगे और इसको ऐसे खींच देंगे। फिर इधर से भी जो हमारी चौथी लाइन है इसके ऊपर वाले फंदे में से ऐसे सुई निकालेंगे और इसको खींच देंगे। इस तरह से करते हुए हमने इस पूरे पार्ट की ऐसे सिलाई करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स आप इसको इस तरह से सिलिएगा, ऐसे सिलने से देखिए आप देख सकते हैं ये लाइनें आपस में बिल्कुल मिल जाएंगी, यहाँ कोई भी जोड़ नजर नहीं आएगा। तो इस तरह से करते हुए मैं इसकी यहाँ तक सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ।
ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी पूरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी सफाई से इसकी सिलाई हुई है। सारी लाइनें आपस में मिल चुकी हैं। अब यहाँ पर जो ये धागा है, इसको आप यहीं पर टाइट मत कीजिएगा। ये देखिएगा, उल्टी साइड से आपको हल्की सी यहाँ लाइन नजर आएगी। इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह से अंदर ले जाते हुए, इस तरह से आप अंदर की साइड ले जाइएगा और इसको पक्का करके आप नीचे काट दीजिएगा। इससे यहाँ पर कोई भी आपको नोट नजर नहीं आएगी। तो थोड़ा नीचे ले जाइएगा इसको ऐसे। तो मैं इसको पक्का करके काट के आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये ट्रायंगल शेप में पोंचू बन के तैयार हो गया है। ये जो हमने बीच में उल्टी उल्टी लाइनें बनवाई थी, देखिए एक कंधे पर ये आ जाएंगी और एक कंधे पर जो हमने ये सिलाई की है ये आएगी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, ये जो ये गले का यहाँ पर है, यहाँ पर आप कोई भी क्रोशिए से फ्लावर बनाकर लगा सकती हैं, मार्केट से कोई भी सुंदर सा ब्रोच लाकर लगा सकती हैं, या बने बनाए कोई बैच आते हैं वो आप यहाँ पर लगा सकती हैं, जिससे यहाँ पर इसके गले की लुक और भी सुंदर आएगी। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर ये हल्का सा क्रोशिए का फ्लावर बनाकर लगाया हुआ है। इस तरह से ये फ्लावर यहाँ पर आ जाएगा और इसकी पहनने पर शेप ऐसे आ जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये ट्रायंगल शेप का पोंचू पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।